जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी से एक मेडिकल के टॉपिक में चर्चा करना है। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि आई विज़न में उनको प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उनको आई प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपका डाउट जो है क्लियर हो सकेगा। जो कुछ भी अभी तक हम देखे हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा कुछ आप सभी से हम साझा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। अगर इस बुक की खासियत की बात करें तो इस बुक में आपको 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। अगर तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके गाइड के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग जो है कि कॉन्टीरियर विज़न के बारे में, आईज, जिनका भी आई 6x6 नहीं है, खास करके हम आईज़ के बारे में इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप सभी को। लेकिन किसी का भी अगर 6x6 नहीं है तो वो मेडिकल में डेफिनेटली जो आपको फेल कर दिया जाएगा। कलर विज़न है तो उसमें डेफिनेटली आपको फेल कर दिया जाएगा। जिनका डिस्टेंस विजन है, चाहे वो नज़दीक का डिस्टेंस हो चाहे दूर का डिस्टेंस हो, उसको ठीक कराया जा सकता है। सर्जरी करवाने के बाद ठीक हो सकता है। और इसका चार्जेस क्या होता है, ये भी सारा कुछ बताते हैं आपको। देखिए, एक सर्जरी होता है, लेजर सर्जरी इसको बोलते हैं, कॉन्टीरियो विजन और कई तरह का होता है, प्रोसेस होता है। लगभग 70-80 हज़ार से स्टार्ट होता है और लगभग 1.5 लाख तक पहुँचता है। एक पिछली बार अगर हम आपको बताएं तो कई जो कि मेरे सजेशन पे गए भी थे, I7 दिल्ली में है शायद हॉस्पिटल, वहाँ पे भी कई लोग करवाए थे। और एक लोग का साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था, जो कि कोलकाता में एक लोग करवाए थे। अगर फ़ोटो मिलेगा तो हम डाल देंगे, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका हम जो एक सर्जरी कराए थे उन्होंने, उनका एक साइड इफ़ेक्ट हो गया था, उनका आँख लाल लाल हो गया था कॉर्निया के दोनों साइड में, तो उसका भी फ़ोटो हम आपको डाल देंगे। और ये बहुत लोगों का डाउट होगा कि डिस्टेंस विजन को कैसे ठीक करें और क्या प्रोसेस ये सक्सेसफुल होता है। तो देखिए, 90% जो है कि ये सर्जरी सक्सेस हो जाता है। और किसी कारण से अगर कोई उनका पहले से प्रॉब्लम होता है, हालांकि वो लोग पहले चेक करते हैं कि आपका सर्जरी करने से आपको ठीक होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारा चेकिंग के बाद जो है कि दूसरे तीसरे दिन आप लोग का वो सर्जरी कराते हैं। तो ये एक सर्जरी होता है, कॉन्टीरियो विजन इसको बोलते हैं, और भी कई तरह का होता है, इसको आप करा सकते हैं। जिसका भी 6x6 से ऊपर है, 6x9 है, 6x12 तक, 6x12 तक होता है, आप डॉक्टर से मिलेगा ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगा। और ये प्रोसेस जो है कि इसको ठीक होने में लगभग 40-45 दिन होता है। इसलिए आपको हम पहले बता रहे हैं कि आप अगर ऐसा कुछ है, आपको दिक्कत, आपको लगता है रनिंग आप क्लियर कर लीजिएगा, तो इसको आप ज़रूर से मेंशन कर सकते हैं और सर्जरी करवा सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ये बिल्कुल, अगर आपका है ये डिस्टेंस विजन तो आपको दिक्कत ज़रूर होगा, चाहे अभी दिक्कत हो चाहे बाद में दिक्कत हो, अभी ही आप छट जाइएगा। और ये सब जो फालतू की बातें हैं उसको मत समझिएगा, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, खुल के बोल नहीं सकते हैं, उन सब पे विश्वास मत रखिएगा। अपना सेफ्टी खुद आपके हाथ में है। सर्जरी आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। आपको अगर विश्वास हो जाता है कि आप रनिंग निकाल लीजिएगा, आपका कटअप फाइनल कटअप बन जाएगा, मेरिट मार नाम आ जाएगा, तो आप उसको सर्जरी को करवा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। 90% आप इसमें सियोरिटी रहता है, आप करा लीजिएगा। तो अभी तक हम I7 में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से जो भी सर्जरी करा के, वहाँ पे अभी कोई भी शिकायत नहीं मिला है। कई कई जगह, किसी और भी हॉस्पिटल में बहुत जगह होता है, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी होगी आप करा सकते हैं वहाँ पर। और बाकी यही था मेरा राय, आप सभी को कैसा लगा है आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे कुछ बोलना है या फिर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।